इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि अर्थशास्त्र में संपत्ति का अधिकार का मतलब क्या होता है, या फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये संपत्ति हमारा है, ठीक है, या फिर किसी के नाम पे है, या उस पर मालिकाना हक किसी व्यक्ति का हो सकता है, ऑनरशिप ऑफ एसेट, है ना, संपत्ति का अधिकार हम किस तरह से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है। तो सबसे पहला कि प्रॉपर्टी राइट मतलब कि जो ऑनरशिप प्रोवाइड किया जाता है वो लीगली किया जाता है, कानूनी तौर पे, है ना, कि एक अगर आप ये कहा जाता है कि आप इस घर का मालिक हो, तो इस घर का मालिक कहने से नहीं होता है, बल्कि इसके लिए जो राइट के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आपको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी राइट होता है वो टेंजिबल भी होता है और इनटेंजिबल भी होता है, मतलब कि विजिबल भी, इसको हम लोग दूसरा टर्म में विजिबल और इनविजिबल कहते हैं। विजिबल में हो गया लैंड, हाउस, फैक्ट्री, इट इज, ठीक है। और इनटेंजिबल में हो गया कि कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई टेक्नोलॉजी आप इजाद किए हैं, कोई सॉफ्टवेयर आप बनाए हैं, तो उस सॉफ्टवेयर पे सिर्फ आप ही का अधिकार होगा, मत कहने का मतलब कि उसका आप यूज कर सकते हैं, उसको आप किसी दूसरे को बिना परमिशन का आप किसी और का भी कोई और यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी राइट डिफाइन द थ्योरिटिकल एंड लीगल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड। दिस रिसोर्सेज कैन बी बोथ टेंजिबल और इनटेंजिबल एंड कैन बी ऑन बाय इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो ओनरशिप जो होता है वो लीगल लीगल प्रोसेस होना चाहिए, कानूनी तौर पे वो आपके नाम पे होना चाहिए, और आप जो मालिक होगा उसको ये डिसाइड करना होगा कि उसको किस तरह से यूज करें। तो किसी भी प्रॉपर्टी का ऑनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, और गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए की पॉइंट क्या है कि प्रॉपर्टी राइट डिफाइन द थ्योरेटिकल एंड लीगल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस एंड हाउ दे कैन यूज्ड, ठीक है। दूसरा, प्रॉपर्टी कैन बी ऑन बाय इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि कैसे कह सकते हैं, अगर मान के चलते हैं किसी के नाम पे कोई लैंड है, ठीक है, कानूनी तौर पे वो है, लेकिन उस पर कोई और अधिकार कर लिया, बाय फोर्स अधिकार कर लिया, या फिर उस पे जो उसका जो बेनिफिट होगा उस प्रॉपर्टी का वो कोई दूसरा कोई ले लेता है, तो इस केस में हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ विशेषताएं होता है प्रॉपर्टी राइट का, तभी हम उसको कह सकते हैं कि इस संपत्ति का मालिक वो व्यक्ति है, या वो बिजनेस फॉर्म है, या फिर ये सरकार है। पहला तो क्या होना चाहिए, जो जिस भी प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं, अगर हम लैंड का बात कर रहे हैं, तो लैंड हमारा क्या होगा कि उसमें द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी, पहला तो होगा कि लीगली तौर पे उसका होना चाहिए, कानूनी तौर पे, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे होना चाहिए। दूसरा, उस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है कि नहीं करना है, इसका भी राइट उस ओनर का होगा कि लैंड पे हम क्या लेने का, कि अगर उसको रखने का मन नहीं है, अगर लैंड का मन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे को बेच देगा, तो उसको बेचने का भी अधिकार, या फिर वो ओनरशिप ट्रांसफर ट्रांसफर करने का अधिकार भी
उसी व्यक्ति का होगा जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, कानूनी तौर पे तो होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जिसका भी प्रॉपर्टी होता है, जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है, उस प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है, उसके मरने के बाद उसका सक्सेसर या उत्तराधिकारी को ही मिलना चाहिए, या ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो जाता है उसका उत्तराधिकारी को। जैसे कि अगर पापा का संपत्ति है तो पापा का संपत्ति उनके नाम पे है, ठीक है, लेकिन अगर वो डेट कर जाते हैं तो वो चीज़ उनका बेटा का हो जाता है। तो बेसिकली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, उसमें प्रॉपर्टी राइट होती है कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है, उसको संपत्ति रखने का अधिकार होता है। तो संपत्ति रखने का या प्रॉपर्टी रखने का अधिकार कब होगा? जब ये चारों क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करेगा कि प्रॉपर्टी का जो लीगल ओनरशिप है वो व्यक्ति का होना चाहिए, उससे जो प्रॉफिट अर्न होगा वो प्रॉफिट का प्रॉफिट वो उसी ओनर को मिलना चाहिए, उसको बेचना है या क्या करना है, उसमें क्या उत्पादन करना है, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, इसका भी निर्णय ओनर को होना चाहिए। और उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी उसका उत्तराधिकारी को, उसका सक्सेसर को होना चाहिए। तो जब ये तीनों ये कैरेक्टरिस्टिक अगर फुलफिल करता है, तब हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का ओनर ये है। ऐसा नहीं है कि लीगल तौर पे उस किसी का और के नाम पे है, उस पर खेती कोई और कर रहा है, बेच कोई और रहा है, और उस पर दावा कोई और ठोक रहा है, तो इस तरह का नहीं होता है। प्रॉपर्टी राइट का मतलब कि लीगली उसी को होना चाहिए, उससे जो इनकम अर्न होगा वो उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है इसका भी राइट ओनर को होना चाहिए, और उसके मरने के बाद उस प्रॉपर्टी का मालिक उसका उत्तराधिकारी।